अबे यार क्या हो गया, ये ग्लूकोज की जरा है, ग्लूकोज सुरेंज, जल्दी 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 पीछे होता साचू। तो सब भाई क्या हो गया इसको बेचारे को? यार इसको ना हीट स्ट्रोक हुआ है, मैं घर नहीं था तो जब मैं वापस आया तो ये बिल्कुल लेटा हुआ था और हालत फुल खराब थी इसकी। तो अब इसको ऐसा करते हैं मूसा भाई, ग्लूकोज दे देते हैं। आंखें खोलनी, आंखें खोलनी, इधर से आंखें खोल के बैठा हुआ देखता है। बच ट्विंकी, बच मेरा बच्चा। मूसा भाई ऐसा करते हैं, इसको ग्लूकोज दे देते हैं एक दफा। मैं ऐसा करता हूँ, इस गिलास के अंदर ना थोड़ा सा पानी ले आता हूँ, नहीं ले आया हूँ। अब ऐसा करता हूँ, इसके अंदर दो से तीन चुटकियां ना ग्लूकोज की डाल देता हूँ। और ये खुल जा जल्दी, चुटकियां क्या डालनी है, ऐसे डाल देता हूँ, बस बहुत है। इसको मिक्स कर ले। ये लो मूसा भाई, इसको दो। ये हल्का हल्का ही मैं डालूंगा, बस 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 मेरा बच्चा, बस बस। मुझे पकड़नी है क्योंकि मुझे तालू का हिसाब रखना है, इसके तालू पे रख रहे, मेरे पास पाइप नहीं पड़ा हुआ। हल्का हल्का डालेंगे, हल्का हल्का ही पीरा 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 पीरा। गुड बच्चा, पीले पीले शाला, पीले शाला पीले, छोड़ो अच्छी पीना बेटे जॉर्ज। ओहो मूसा भाई, मैं ऐसा करता हूँ इतना कूलर चला देता हूँ, इसको ठंडी हवा लगती रहेगी। मूसा भाई जब तक ट्विंकल को अंदर पानी वगैरह दे रहे हैं, उसका ध्यान वगैरह रख रहे हैं ना, मैं इतना ये चेक कर लेता हूँ हमारे बाकी परिंदे सारे ठीक हैं कि नहीं। इधर तो जितने भी मुझे परिंदे नजर आ रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे बिल्कुल ठीक हैं। और मुझे लगता है अभी मैं बाहर आया था तो मैंने चारपाई देखी, मुझे लगता है मूसा भाई अभी जब बाहर से आए हैं ना तो उन्होंने ना ये चारपाई लगा दी ताकि बाकी इन परिंदों को कुछ ना हो। और ये देखो, ये ट्विंकल ने एक और अंडा दिया हुआ है। यार मुझे जहाँ तक लगता है ना, ये हो सकता है एक तो ट्विंकल लकवे में है, ऊपर से अंडा दिया है, वो अंडा देने से भी मुर्गी स्ट्रेस में आ जाती है, ऊपर से लकवा है, और ये गर्मी इंतहा की गर्मी है। तो यार बस आप लोग दुआ करो कि यार हमारा ट्विंकल बिल्कुल ठीक हो जाए। सुनाओ मूसा भाई क्या पोजीशन है इसकी? यार एक फ्रेंच दे दिया इसको। अच्छा अब ये दूसरी देने लगाऊं, ठीक है? तो क्या लगता है हो जाएगा? हाँ हाँ सही है, वो रिस्पॉन्सिव है बिल्कुल, पी रहा है अभी। देखो खोलूंगा इसके, मैं नीचे तालू पे रख रहा हूँ ताकि ना इसको फोर्स ना करूँगा, हल्का खुद ही पी रहे, खुद ही पी रहा है। तो ग्लूकोज ठंडा होता है मूसा भाई? ग्लूकोज से यार इसकी एनर्जी लेवल्स जो है ना वो मेंटेन रहेंगे, क्योंकि हीट स्ट्रोक हुआ ना, हीट स्ट्रोक की वजह से बिल्कुल ही। और मैंने इसको भी नहलाया पूरा। अच्छा देख रहे हो, पूरा गीला किया इसको, नुचड़ रहा है सारा सारा। जारी बात है गर्मी की वजह से, ऊपर से उसने अंडा भी दिया होता, ठीक है, तो अंडे की वजह से भी यार थोड़ा ना हो जाता सीन ऑफ, बस ना लापरवाही होगी मेरे से, कोई नहीं करते हैं यार। इधर सर रखो बेटा, इधर बस। अच्छा यार अभी शाजिर तेरे आने से पहले ना ये सांसें ना ऐसे ऐसे करके ले रहा था, मतलब फुल जोर से सांस ले रहा था, पूरा फूल रहा था। और अब जाके इसकी सांसें ना थोड़ी नॉर्मल हुई है, देख रहे, करीब आके देख कैसे सांस आराम से, आराम आराम से ले रहा है, थोड़ा सुकून आया उसको। हीट स्ट्रोक जो होता है ना मुर्गियों में, खासतौर से जो इम्पोर्टेड ब्रीड्स होती हैं उसमें बहुत कॉमन होता है। इसी तरह हमारी जो फार्म के ऊपर मुर्गियाँ ना, उनमें से भी दो या तीन मुर्गियों के साथ ये होता है। शाजिर साहब बताएं यार, हमारी जो ब्लैक पॉलिश थी ना, ब्लैक पॉलिश की एक फीमेल, नहीं ब्लैक पॉलिश की तीन फीमेल के साथ ऐसा हुआ था, जिसमें से एक फीमेल एक्सपायर हो गई थी और बाकी दो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारे पास अंडे बच्चे दे रही हैं। अब ना यार मैंने इसको डेढ़ जो सिरिंज है ना, ये 10 cc की है, मतलब 15 cc मैंने इसको दे दी है, 5 cc पीछे रहता है। अच्छा तो बस 5 cc थोड़ी देर रेस्ट कर ले उसको, फिर दूंगा इसको। ये देखो ये देखो, ये हमारे ट्विंकल ने अब आंखें खोलने लग गया। मूसा भाई आपको क्या लगता है, अब हो जाएगा ना ठीक? ये हो जाएगा बस यार दुआ है, बच्चा है अपना सही हो जाएगा। ये देखिए देखिए कैसे खड़ा हो गया, पाँव पे खड़ा होने लग गया। मैंने सिर्फ इस हाथ से देखो गर्दन पकड़ी हुई है, कोई वेट नहीं, अपने पाँव पे खड़ा हुआ यार। अब लगता है ये हो जाएगा ठीक। मैं इसको ना बाकी ये जो है ना थोड़ा सा रहता है ये भी पिला देता हूँ ना। ओके ओके जल्दी दो। शाजिल तू ऐसा कर, उतनी देर ना यार 3-4 चूजे निकले हुए हैं उधर हैचरी के अंदर, उनको वैक्सीन दे दे यार। चलो ऐसा करता हूँ मैं उनको जाके इतना वैक्सीन दे देता हूँ, आप इनका ये ट्विंकल को इतना सेट करो। आ जा भाई आ जा आ जा आ जा इधर। और यार मैंने अभी तक ये नहीं देखा कि हमारे चूजे निकले कौन कौन से हुए हैं। ट्रे बार आओ,
एक ब्लैक पॉलिश है और एक वाइट सिल्की, सिर्फ टू निक कोकोस। आजा भाई आजा 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 आजा, ओए बंदे का पुत्र बन। चलो जी ये दूसरा चूजा भी आ गया और इसकी भी वैक्सीन होगी। चल भाई आ जा आ जा आ जा, चलो जाओ। ट्विंको ट्विंकी छुआ लिया आपको, ओ गुड बच्चा गुड बच्चा गुड बच्चा। अच्छा गाइज इसको होश आ गया, शुक्र है खुदा का कि इसको होश आ गया। आइडियली जो होता है ना जब हीट स्ट्रोक होता है मुर्गियों को, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ना उनको ORS दिया करो। मेरे पास क्योंकि अभी फिलहाल सिर्फ ग्लूकोज पड़ा था, तो मैंने एमरजेंसी ट्रीटमेंट इसका किया है, थोड़ा बहुत इसको एनर्जी इसकी बरकरार करने के लिए मैंने इसको ग्लूकोज दे दिया, लेकिन इसको देना ORS चाहिए था। तो मैं अभी शाजल को यही कह रहा था कि शाजल जाके ना ORS ले आ यार, ORS के बगैर नहीं काम बनेगा। ORS इसको आसरा दे दिया हमने, सिर्फ आसरा दिया है, लेकिन इसको नमकियात की जरूरत है क्योंकि गर्मी जो होती है नमकियात चूस लेती है जानवर में से। चलो मैं फिर ऐसा करता हूँ जाके मैं ले आ। हाँ तू ORS जाके ले आ मेरे भाई। चलो मैं ले। ठीक है तो यार वो सामने बिल्कुल मेडिकल स्टोर है, अब जाते हैं जाके इन भाई से ना ORS दे गए रामल चाचा डासू। यार ये ORS मैंने ले लिया है, अब ऐसा करते हैं चलते हैं सीधा घर और जाके अपने ट्विंकली ट्विंकली को देते हैं। मुसा भाई अभी तो उधर ही बैठे हो, क्या हुआ? हुआ नहीं सही, हो गया ये देख रहे हैं सारा डाल दे, सारा 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 एक लीटर पानी के लिए होता है ये। हम भी पी सकते हैं? हाँ आप पी सकते हो आराम से। ग्लास में डाल दे बस। यार हम यूं ही पी ले, कोई मसला तो नहीं? हाँ कोई मसला नहीं, पी ले तू। नींबू खट्टा आओ जी। ट्विंकी 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 आराम कर रहा है मजे से। हाँ सही बात है, देखो गाइस आगे खोल रहा अपनी है देखो। अच्छा अब ये देखो यार एक बात हमेशा याद रखना, बेशक मैं सिरिंज यूज कर रहा हूँ, आपने कभी भी मुंह के अंदर घुसा के पुचकारी नहीं मार देनी, उससे पता क्या होगा उसकी सांस की नाली में चला जाएगा। अब जरा ये इसको देख लो कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं उसके तालों के नीचे हल्के हल्के ड्रॉप्स डालता हूँ, खुद ही पी जाता है। ठीक है मैं कभी प्रेशर नहीं मारता उसका, ये देखो खुद पी रहा वो उसको। ओके तो यार ये कभी भी ना किया करो, मुंह के अंदर डाली सिरिंज और पुच करके मारी और सीधा के सीधा उसके संग में जाती है और सांस की नाली में जाके मसला करती है। मैं उसके तालों में हल्के हल्के ड्रॉप्स गिरा रहा हूँ, ये देख रहे हो कैसे प्रेशर बिल्कुल भी नहीं मार, खुद ही पी रहा है। मुसा भाई आपने बस इसको ये एक इंजेक्शन देना है या और भी दोगे? नहीं इसको घंटे घंटे के बाद मैं एक एक ये एक एक सिरिंज देता रहूंगा। अभी देखो देखो कैसे कैसे फड़क रहा है, पहले तो बिल्कुल ही डेड था यार, मतलब हिल नहीं रहा था अपनी जगह से। अब ये देखो इसको ये पूरी सिरिंज दूंगा मैं, उसके बाद फिर थोड़ा। अच्छा दूसरी एक चीज़ मैंने आपको आपको इसको बतानी थी, ये देखो इधर देखो ये जो साइड है ना, मतलब जो आप आपकी मुर्गी का जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे होता है पोटा। ओके आपकी मुर्गी को हीट स्ट्रोक होता है वैसे निढाल होके पड़ी हुई है, आपने पानी पिला के उसको पोटे वाली साइड पे नहीं लटा देना, उससे पता है क्या होगा सारा का सारा पानी जाएगा ऊपर की तरफ आएगा और उसको उत्थू लग सकता है। उत्थू मतलब खांसी? हाँ खांसी, वो सांस में की नाली में चल जाएगा। अच्छा, पानी अच्छा। पोटे में से निकलेगा सांस की नाली में चले, तो हमेशा कोशिश की उसको लेफ्ट साइड पे ऐसे लटा दिया, फिर पोटे पे वजन नहीं डलेगा। ठीक है इसलिए इसको टेक दलवाई हुई है। और ठीक है मूसा भाई इसको मतलब एक से दो सिरिंजे दोगे उसके बाद खत्म? हाँ सही हो जाएगा। चलो ट्विंकी थोड़ा सा रह गया बेटा, थोड़ा सा बस छोटू सा रह गया बस। ओ ओ सॉरी 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 ज्यादा जोर ही चला गया। अब ये आप खुद ही समझा रहे थे मार दिया। नहीं यार वो असल में ड्रॉपलेट्स कम होते हैं, मैं दिखा देता हूँ कितना एक प्रेशर जो है ना, वो असल में प्रेशर जो पड़ता है ना मेरी उंगली भी पड़ता है, देखो सारी उंगली गीली हुई है। अब ये देखो थोड़ा सा निकाल के लगाता हूँ मैं कितना एक प्रेशर पड़ता है।
ओके ठीक है। अब गाइस पता है क्या करना है, इसको ऐसे देखो पोटा इसका फूला हुआ है, देखो फूली जगह पानी पी पी के, हाँ, पानी पी पी के। अब क्या करना है इसको ऐसे इस तरफ लटाना है ताकि इसके मुंह के अंदर दोबारा पानी ना आए। वैसे गर्दन ने डाल करके बैठा हुआ छोना को, अब देखो पानी निकल रहा, पानी निकल रहा, पानी निकल रहा, इसको सीधा करता हूँ। पानी निकल नहीं रहा, पानी गिरा हुआ था, पी रहा है उसको। नहीं नहीं, मुंह से पानी निकल रहा भाई, मुंह से पानी निकल रहा उसके। अब इसको थोड़ी देर सीधा रखूंगा ताकि जो पानी ना अच्छी तरह अब्सॉर्ब हो जाए उसके जिस्म के अंदर। ओके यार ये देखो, ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा ट्विंकली अब अपने पांव पे खुद ही खड़ा हो गया है, ये आराम से बैठ जाता है और खुद ही खड़ा हो जाता है। ये देखें गाइस, लाइक अभी थोड़ी देर पहले वो इतना निडाल था, अपने पांव पे नहीं खड़ा हो पा रहा था, अपना वजन खुद उठा रहा है। ट्विंकी उठ के हो चोनिया। तो यार उम्मीद है कि ना ये आज रात रात के अंदर ना सुबह तक इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यार आज के व्लॉग के लिए ना हमें ना तो लाइक चाहिए, ना तो सब्सक्राइबर चाहिए, ना कुछ चाहिए, ना शेयर चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ना यार हमारे ट्विंकी शहजादे के लिए ना बहुत सारी दुआएं करना यार, ताकि ये आराम से बिल्कुल 100% अपनी रिकवरी कर सके और दोबारा एक्टिव हो सके। यार एक दुआ से ना कुछ भी हो सकता है, तो सारे भाई हमारे इस ट्विंकल के लिए दुआ करो। तो यार हम मिलते हैं आपको अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना और हमारे ट्विंकी के लिए दुआ भी करते रहना। अल्लाह हाफिज़।